English learning lesson number 15। आज के सबक में हम पढ़ेंगे क्या वाहिद और जमा। वाहिद और जमा का पढ़ेंगे कि वाहिद और जमा इंग्लिश में कैसे आते। अरबी में शुमार के लिए एक होते वाहिद, दूसरा होते तस्निया। तस्निया दो को कहते हैं जमा, दो से ज्यादा। इंग्लिश में सिर्फ वाहिद होता है और जमा होता है, तस्निया नहीं होता। अगर किसी चीज के लिए आप तस्निया इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए टू लाएंगे, टू। टू बर्ड्स दो परिंदे, बर्ड एक परिंदा, या वन बर्ड अ बर्ड एक परिंदा। जमा बोलेंगे तो फिर जमा के लिए यहां सिर्फ आखिर में एस लगाते हैं हम। अरबी में जब हम जमा बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे ना, तो उसके साथ बहुत भी आप बोल सकते हैं। या मसलन आपने कहा एक मर्द, दो मर्द, तीन मर्द, या करोड़, या पांच, या छह, बस जमा आप बना चुके। अरबी में भी होता है मसलन रजुलन एक मर्द, रजुलाने की फिर ये शक्ल है दो मर्द, फिर रिजालुन मना बहुत मर्द चाहे तीनों या पचास हजार। इंग्लिश में आप यू बोलेंगे मसलन आमेन, या वन मैन, या आमेन। आमेन माना एक मर्द, टू मैन दो मर्द, टू। ज्यादा हो तो फिर इसके लिए बोला जाता है मैन, मैन। इसी तरह से इंग्लिश में अगर आपने कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए वाहिद और जमा का लफ्ज बोला जाता है। वाहिद को कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर का माना है वाहिद। प्लूरल, प्लूरल का माना है जमा। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, वाहिद जमा।